देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहां पे। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान, आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और हिंदुओं से मैं पूछता हूँ कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? अगर भाई कोई तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है या तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, या ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 1947 में पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? तब तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें, ये क्या बॉयकॉट करें, मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें कि आपको क्यों जाना है यार, आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में हराम माना जाता है। निपुर शर्मा के मुंह से सच्चाई निकली थी और वो सच्चाई इन शांति दूतों को पसंद नहीं आई। उन शांति दूतों के अंदर अजमेर के खाबिन भी शामिल थे, जिन्होंने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत उगेली, इतना जहर उगला और चिश्तियों को बेपर्दा कर दिया है। ये अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी का सचिव सरवर चिश्ती हैं। इनके खाने और दिखाने दोनों के दांत अलग हैं। ये मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं और जब मजहब के नाम पर नफरत फैलाना होता है तो इनकी बोली मानो गोली बन जाती है। कि वो आज इनके लिए मुसीबत बन चुका है। इवन जो हत्या हुई है उदयपुर के अंदर एक मासूम बेगुनहगार कन्हैया लाल जी की, उसके साथ भी अजमेर दरगाह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन अपनी गर्दन कटाने जाएगा भाई? क्या भरोसा वो खाबिन तुम्हें लेके ले जाके खोपचे में सलटा दे? क्या कर लोगे भाई? तुम जाओगे माथा पटकने के लिए, गर्दन कटा के आ जाओगे? तो ऐसी जगह जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर हिंदू को कभी किसी मजार पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे भगवान में सच्ची आस्था हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। अजमेर दरगाह का मुद्दा चलते चलते पहुंच गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक पत्रकार है आरजू काश्मीर, उन्होंने इस मुद्दे पे चर्चा की है हमारे मेजर गौरव वारिया जी से, और मेजर गौरव वारिया जी ने उनको दिए दो टूक सटीक से आंसर। और ये गर्मा गर्म तीखी बहस आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके दिमाग में अगर कहीं से जंग लगी हो, ताला लगा हो, वो खुल जाए, धुल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इस वीडियो में ना तो कोई मीम आने वाला है, ना मैं बीच में आने वाला हूँ। मैं मिलूंगा आपको वीडियो के आखिरी में। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करें भारत की और अजमेर शरीफ की, तो एक ये भी न्यूज़ चल रही है कि वहाँ पर कहा गया है कि जी जो हिंदूज़ हैं उनका बायकॉट किया जाए, उनके साथ किसी किस्म की कोई चीज़ उनसे ना ली जाए, ना खरीदी जाए, ना कोई डोनेशन लिया जाए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहां पे। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं वहां पे, आप फोटो देख लीजिए, आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करिए अजमेर शरीफ की, बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, सारे के सारे हिंदू, ठीक है, वहां पे जाते हैं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, एक आस्था है मन में। अच्छा है बुरा है वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। अगर किसी को वहां पे जो भी खादिम वगैरह हैं, अगर उनको एक रुपए का भी मन में शक है, एक रुपए का उनके मन में शक है कि भाई ऐसा है कि हिंदुओं को बॉयकॉट तो कर दो, हम तो चाहते हैं बॉयकॉट करें, हिंदू खुद ही नहीं जाएंगे वहां पे। वहां पे जो भीड़ लगती है ना हर्षु जी, वहां पे जो भीड़ लगती है वो कौन है, वो लोग कौन जाते हैं? इनको जो अपने ऊपर जो दरगाह वालों के अपने ऊपर एक घमंड है, गुरूर है कि भाई हम बड़े तीस मार खान हो, नहीं तुम्हें 30 मार खान बनाया गया है और वो हिंदुओं ने बनाया 30 मार खान। अगर वहां पे हिंदू बॉयकॉट नहीं, अगर कल हिंदू बोले कि हम नहीं जा रहे अजमेर, अजमेर को जानता कौन है? अजमेर में है क्या? अजमेर में कुछ भी नहीं है। एक बहुत शानदार स्कूल जरूर है वहाँ पे, मेयो कॉलेज, इट्स अ वंडरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं मेयो कॉलेज से। पर अगर आप मेयो को निकाल दें और दरगाह शरीफ को निकाल दें, वहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ पे देयर इज नथिंग इन अजमेर। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें, ये क्या बॉयकॉट करें, मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें कि आपको क्यों जाना है यार, आपको क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में हराम माना जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए। जो हजरत मोहम्मद साहब की कब्र थी सऊदी अरेबिया में, वो तो शिफ्ट कर दी सऊदीज ने, वहां पे पता नहीं कोई मॉल बनाया, पार्किंग लॉट बना दिया, कुछ बताया, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहां पे पार्किंग लॉट उन्होंने बना दिया, कुछ बना दिया वहां पे स्ट्रक्चर, उनकी भी कब्र शिफ्ट कर दी। तो ये सब जो मजारों में जाना, चादरें चढ़ाना, ये तो गैर इस्लामी है, ये इस्लाम में इसका कोई स्कोप है ही नहीं।
आप तो जब सर झुकाते हैं किसी पीर के सामने, या आप पीर पीर की जो कब्र है आप उसके सामने सर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके सामने सजदा कर रहे हैं। मुसलमान को तो बोला है कि सिर्फ तुम अल्लाह के सामने सजदा करोगे। इवन हजरत मोहम्मद के सामने कहते हैं कि सजदा नहीं होता हजरत मोहम्मद साहब का। इज्जत उनकी पूरी है, रिस्पेक्ट उनकी पूरी है, वो आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के, ये बात तय है इस्लाम में। लेकिन सर मुसलमान का उनके सामने भी नहीं झुकेगा, सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान, आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए उन लोगों को। और हिंदुओं से मैं पूछता हूं कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? अगर भाई कोई तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है, तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। सही, बिल्कुल, लेकिन ये चीज होनी नहीं चाहिए। और इस तरह की सिचुएशन जो है वो किसी तरीके से कम होती भी नजर नहीं आ रही, ये एक बड़े अफसोस की बात है। आरजू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को पता नहीं है, और लोगों को एक किताब है एमजी अकबर साहब की, बड़े बड़े एक नाम है, मंत्री रह चुके हैं मोदी जी की कैबिनेट में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनकी किताब है राइट आफ्टर राइट। आप वो किताब पढ़िएगा, आप मंगवाइए वो किताब, पढ़िए, आपको तब पता लगेगा। ये सब जो लोगों ने एक चीज बांध रखी है ना, गंगा जमुनी तहजीब, ये पता नहीं, दिस इज ऑल एन इन्वेंशन। ठीक है, इंडिया में रिलीजियस फॉल्ट लाइंस बहुत पहले की हैं, आज की नहीं है। 1947 में नेबर ने पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 1947 में पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? तब तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना, लेकिन पड़ोसी ने पड़ोसी का गला काटा क्यों? जो इतने राइट्स हुए जितने साल कांग्रेस पावर में थी, आरजू जी अगर आप देखेंगे आपको देखेगा हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं। मैं 100 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं, छोटी और बड़ी। वो किसने करवा दी? वो मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे? कैसे हो गया? तो ये जो रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स हैं इंडिया में बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। तो जिन लोगों ने ये, आजकल जो लोग हैं ना, कल के बच्चे जो पैदा हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ओह नो, एवर सिंस मोदी हैज कम देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम हैज एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन बिफोर पार्टीशन, जब अंग्रेज थे तब भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राइट्स हो चुकी। वो तो ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम जो है उनकी कैबिनेट में नहीं है, लास्ट जो थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। नहीं, रिजाइन जो करा है ना उन्होंने, जिन शख्स ने रिजाइन करा है उनका अगले दिन लास्ट डे था। राज्यसभा क्या होता है कि ऐसा होता है जी कि यू आर नॉट इलेक्टेड टू द राज्यसभा, यू आर अपॉइंटेड इन अ वे। इलेक्शन उसका दूसरे किस्म का होता है, इट्स नॉट कि लोग वोट डाल के जैसे लोकसभा में, इट्स द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उनका खत्म हो गया सिस्टम, उनका टेन्योर खत्म हो गया, ही हैड टू रिजाइन। भाई आपका टेन्योर है, अगर आपका 6 साल का टेन्योर है तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं मुसलमानों में 10 साल करूंगा? ऐसा तो नहीं होता, वो सबके लिए 6 साल है, वो हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए 6 साल है। उनका 6 साल खत्म हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा मोदी जी ने कुछ लड्डू खास बना के रखा हुआ उनको खिलाने के लिए, क्योंकि पुराने भाजपाई है वो। नहीं देखे, अगर हम लोग गलत समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान वालों को, तो ये बात अंडरस्टैंड की जा सकती है कि हमें वहां का सिस्टम नहीं पता या हमें नहीं समझ आ रही। आप क्या से इंडियन जी उठ के इस तरह की ट्वीट्स लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पहली बार ऐसा हो गया कि इस तरह से कोई नहीं है और 75 इयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इंडियंस क्यों उस तरह से लिख रहे हैं फिर? देखिए 130 करोड़ लोग हैं अर्जुन जी, अलग अलग मुख्तलिफ बयानात होंगे लोगों के, एंड इट्स ओके, ठीक है ना। किसी को ऐसा लगेगा, किसी को वैसा लगेगा, और ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगर लोग ऐसा कहते हैं, देखिए बीजेपी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, ठीक है। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑपोजिशन इंडिया में एक्चुअली बात यह है कि ऑपोजिशन अपना काम भूल गई, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी, जिसमें कांग्रेस शामिल है और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना बेसिक ड्यूटी है वो भूल गई। उनको लगता है कि उनका काम है मोदी जी की टांग खींचना और मोदी जी को गाली देना, असल में उनका असली काम है इलेक्शन जीतना। किसी भी पॉलिटिशियन का पहला काम होता है इलेक्शन। आप लोगों की, अगर आपको सेवा करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, तो आप तब खिदमत करेंगे ना जब आप इलेक्शन जीतेंगे। लगातार 15 साल से इलेक्शन हारते हुए आ रहे हैं, अब ये ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ ट्विटर पे रह गई हैं, जहां से आप पढ़ते हैं ना, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो गया, फिर वैसा हो गया, ऐसा क्यों कर दिया। आपने कभी सुना है मोदी जी ने, जब इमरान खान भी तनकीद कर रहे थे, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया ना, ये लोग भी कह रहे हैं इनका कोई जवाब नहीं होगा, वो ट्विटर पे 2-3 दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे, अभी कल परसों तक देखिएगा खत्म हो जाएगा मामला। पूरा वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे सनातनी हो, तो आपको कभी भी किसी भी मजार में जाके मरे मुर्दों के आगे, जिनको गल सड़ गए हैं, उनको कीड़े खा गए हैं, उन पर जाके अपना सर पटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना वहाँ जाके सर पटकोगे उतना ही आप अपने समाज को कमज़ोर करेंगे। ये बात हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने पुरजोर तरीके से यूएस की धर्म संसद में कही थी, तो आपको बोलने में क्या शर्म है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
और ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद आपके दिमाग में जो भी विचार बन रहे हैं, जो भी फितूर बन रहा है, उन सारे फितूरों को कमेंट बॉक्स में जरूर उतार के जाइए, ये लाजमी है। ठीक है, एक शेयर उन हिंदुओं के साथ जरूर कर देना जो अभी भी इन दरगाहों पे मजारों में जाके अपना सर पटक रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाक में ऐसे रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।